नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो व्यक्ति को 5 चीज़ें घर में बिल्कुल भी खुली नहीं छोड़नी चाहिए, सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के धन में बरकत की कमी होती है और बनते बनते कार्यों में अड़चनें आती हैं। तो वह 5 महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी हैं जो आपको सार्वजनिक नहीं करनी है, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। स्वयं का शरीर कभी भी व्यक्ति को खुला नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग ऊपर शर्ट नहीं पहनते, नीचे पैंट पहन ली, लुंगी पहन ली कुछ, लेकिन ऊपर से बनियान और शर्ट गर्मियों में नहीं पहनते, जबकि ऐसा करना गृहस्थ और व्यापारी के लिए शुभ नहीं माना जाता। साथियों, यदि आप महात्मा हैं, आप अघोरी हैं, आपका परिवार नहीं है, आपका व्यापार नहीं है तो अलग मामला है, लेकिन यदि आप व्यापारी हैं, गृहस्थ हैं तो आपको उपवस्त्र धारण करके ही रहना चाहिए, कम या ज़्यादा। नंबर 2, आपको कभी भी अपने घर में भोजन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और इससे भी घर में बरकत की, धन की भारी कमी होती है। नंबर 3, आपको दूध और दही को भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण घर में बीमारियों का वास होता है। नंबर 4, साथियों, आपको अपनी तिजोरी को भी कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे दृश्य और अदृश्य शक्तियों की बुरी नज़र उस पर पड़ती है, जिससे आपको व्यापार में घाटा और कामों में रुकावट आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 5, अपनी व्यक्तिगत बातों को, अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को अंतिम चरण तक पहुंचाए बिना आपको वह किसी को बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से लोगों की बद्दुआएं आपको लगती हैं, लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं और फिर काम पूरा ना होने की स्थिति में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो नज़र दोष से बचने के लिए, लोगों की बद्दुआओं से बचने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत कार्यों के बारे में, व्यक्तिगत शक्तियों के बारे में, व्यक्तिगत धन के बारे में, व्यक्तिगत आय के बारे में भी किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना धर्म शास्त्र के अनुसार एक तरह से गुनाह या शास्त्र का अपराध ही माना जाता है। तो यदि आप तरक्की चाहते हैं जीवन में तो ये 5 बातों को 100% आप व्यक्तिगत रखें। और स्वयं के शरीर को खुला छोड़ने से भारी दोष लगता है, इससे 9 के 9 जो ग्रह हैं वह कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। दृश्य अदृश्य सैकड़ों शक्तियों के जो नज़र है वह आपके शरीर पर पड़ती है और इससे आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।